आपको भी इस तरीके का जो रील है, जो ट्रेंड है, इसके ऊपर जो वीडियो है उसे बनाना होगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। एक्चुअली इसके पहले भी मैं एक रील बना चुका हूँ, लेकिन वहाँ पर अभी वो पेड हो चुका है। तो यहाँ पर अभी आपको फ्री में बनाना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ, वो आपको फॉलो करने। लेकिन ये वाला भी एप्लीकेशन, इस जो टेम्पलेट है, इसको कब तक फ्री रखता है ये मैं बता नहीं सकता। फिलहाल तो ये फ्री है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो आपको करना क्या, सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाके दो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। जो फर्स्ट एप्लीकेशन है उसका नाम है वी एन एप्लीकेशन, जो स्क्रीन के ऊपर मैं मूव कर रहा हूँ। और जो सेकेंड एप्लीकेशन है उसका नाम है फेस मैजिक एप्लीकेशन, जो स्क्रीन के ऊपर मैं अभी मूव कर रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले दो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले आपका जो मोबाइल है उसे आपको इंटरनेट से या वाईफाई से कनेक्ट कर लेना है। इसके बाद में ये जो फेस मैजिक वाला एप्लीकेशन है इसे आपको ओपन करना है। इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको आपके मोबाइल पर शो हो जाएगा। अभी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो बहुत सारे आपको टैब देखेंगे, न्यू मूवीज़, टीवी, फन, ऐसे। तो इसमें आपको एक नेशनल कॉस्ट्यूम्स का एक टैब दिखेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो आपको बहुत सारे कॉस्ट्यूम आ जाएंगे। जैसे ये जो फर्स्ट है ये चाइनीज़ ट्रेंड का है, जापानीज ट्रेंड का है। यहाँ पर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको और भी मिल जाएगा, जैसे ये इंडियन है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको और तिब्बतन वगैरह ऐसे टाइप के अलग अलग यहाँ पर आपको मिल जाएंगे कॉस्ट्यूम। तो इसमें से आपको यहाँ पर कुछ कॉस्ट्यूम के, यहाँ पर आप देख सकते हो प्रो ऐसे लिखा हुआ है। तो ये प्रो वाला जो है इसे आपको यूज़ नहीं कर सकते। ये प्रो वाला अगर आपको यूज़ करना होगा तो आपको यहाँ पर भी पे करना पड़ेगा। लेकिन ये जहाँ पर प्रो नहीं लिखा है उसे आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ एक। तो ये जो फर्स्ट है इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये लोड हो जाएगा। अब स्क्रीन के नीचे आपको आप देख सकते हो यहाँ पर एक मैंने फेस जो है वो ऐड करके रखा है। तो आपको इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर ये फेस मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अब जाऊँगा तो यहाँ पर इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर एक फ़ोटोज़ का ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर अभी आपके मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी। तो आपको गैलरी में से कोई एक ऐसा फ़ोटो सिलेक्ट करना है जिसमें आपका जो फेस है वो क्लियरली शो हो रहा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पर एक करके दिखा देता हूँ। जैसे ये वाला एक फ़ोटो है, इसे मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगा। तो आप देख सकते हो ये वाला फ़ोटो अगर मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगा, यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग ले लेगा। लोडिंग हो जाने के बाद नीचे आपको एक क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्रिएट के ऑप्शन के ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर आपका जो वीडियो है ये क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर बीच में एड्स भी आ सकती है, तो आपको सिंपली ये जो ऐड आ चुकी आ रही है उसे आपको देखना है। अगर आपको इसे कट करना होगा तो स्क्रीन के राइट हैंड साइड के ऊपर आपको ये क्रॉस का आइकॉन आ जाएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर ऐड जो है वो कट हो जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो आपने वीडियो ऐड किया था इसका फेस यहाँ पर लग चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कॉस्ट्यूम में आपका एक वीडियो बन जाएगा। इसके बाद इस वीडियो को सेव करने के लिए नीचे आपको एक सेव का ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपने बनाया हुआ जो वीडियो है ये आपके मोबाइल की गैलरी में सेव हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप इसे फ्री में यूज़ कर सकते हो। तो अभी आपको करना क्या, यहाँ पर एक कॉस्ट्यूम के साथ आपने इसे यूज़ कर लिया, अभी ऐसे आपको दो तीन और अलग अलग कॉस्ट्यूम के साथ वीडियो बना लेना है। जैसे अभी यहाँ पर ये इंडियन वर्जन मुझे दिख रहा है साड़ी वाला, तो इसके ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद फिर से नीचे आपको एक जो टेम्पलेट है सबसे पहले लोड हो जाएगा। टेम्पलेट लोड हो जाने के बाद नीचे आपको क्रिएट का ऑप्शन है, क्रिएट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने जो फेस ऐड किया था, मतलब स्टार्टिंग में जो फेस ऐड किया था, वही यहाँ पर लगेगा। आप इसे चेंज भी कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ भी ये क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर कुछ ऐड ऐसा आ सकते हैं तो इनको आपको स्किप कर देना है। सिंपल ऊपर क्रॉस का आइकॉन है, उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर ये वाला आप देख सकते हो, ये वाला भी वीडियो यहाँ पर आपके सामने मैं बनाकर दिखा रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में। यहाँ पर कोई मैंने कुछ भी पे नहीं किया है, क्योंकि ये एप्लीकेशन में अभी तक कुछ पे का वगैरह आया है नहीं। तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो ये कंप्लीट हो जाने के बाद देख सकते हो यहाँ पर ये जो अभी जो था सारी वाला, इसमें भी आपका मतलब जो फेस आपने ऐड किया था वो फेस यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप इसे बना सकते हो। इसके बाद स्क्रीन के नीचे आपको सेव का ऑप्शन है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ये जो बनाया हुआ वीडियो ये भी आपके मोबाइल की गैलरी में सेव हो जाएगा। तो ऐसे अलग अलग तीन चार टेम्पलेट आप यहाँ से मतलब तीन चार टेम्पलेट के साथ आपको अलग अलग ऐसे वीडियो बना लेने हैं, और वो सारे वीडियो आपको आपके मोबाइल की गैलरी में इस तरीके से सेव करके ले लेने हैं। तो ये सारे वीडियो जितने भी आपको बनने उतने आप बना सकते हो। सारे वीडियोज़ को सेव करने के बाद आगे आपको बताए तो करना क्या है। तो इतना हो जाने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर जो सेकंड एप्लीकेशन मैंने बोला था वी एन एप्लीकेशन, तो इस एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है। इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। अभी आपको करना क्या, स्क्रीन के नीचे आपको एक प्लस का आइकॉन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, इसे आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर ऊपर आपको एक फ़ोटो का ऑप्शन दिखेगा, तो फोटो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। फोटो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पर आपको आपकी कोई भी एक फ़ोटो यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल
ये एक फ़ोटो है, तो इस फोटो को मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा। फोटो को सिलेक्ट करने के बाद स्क्रीन के ऊपर आपको एक वीडियो का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर चले जाना है। और यहाँ पर अभी आपने इस एप्लीकेशन से जो दो वीडियो बनाए थे या तीन चार जितने भी आपने वीडियो बनाए थे उन वीडियो को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से दो मैंने वीडियो बनाए थे, तो दो वीडियो को यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद स्क्रीन के राइट हैंड साइड पर नीचे आपको एक ब्लू कलर का फॉरवर्ड एरो दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी आपने सिलेक्ट किया था सब कुछ इस तरीके से आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा। अभी स्क्रीन के एंड में आपको एक ब्लैक कलर का फोटो दिखेगा, तो इसे आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको वीडियो को एकदम स्टार्टिंग पे आना है। स्टार्टिंग पे आने के बाद स्क्रीन के ऊपर आपको एक ओरिजिनल का ऑप्शन दिखेगा सेंटर में, उसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पर एक 9:16 का फ्रेम रेशो है, इसे आपको सिलेक्ट करना है। और अभी आपको करना क्या है, अभी आप देख सकते हो यहाँ पर टैप टू एड म्यूजिक का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। म्यूजिक के ऑप्शन के ऊपर चल जाना है। अब ये जो ट्रेंड है इसके लिए एक बैकग्राउंड ऑडियो लगेगा, तो ये बैकग्राउंड ऑडियो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो कहीं पर से भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाओ, वहाँ से इस बैकग्राउंड ऑडियो को डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आके आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है। ऑडियो को सिलेक्ट करने के लिए आप देख सकते हो ऑडियो के सामने आपको चूज का ऑप्शन है, तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर तीन ऑप्शन आ जाएंगे। वॉल्यूम का ऑप्शन आपको 100 रखना है, फेड इन फेड आउट आपको 0 रखना है। इसके बाद नीचे आपको एक म्यूजिक बीट्स का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। और अभी यहाँ पे आपको एक बीट ऐड करनी है 5.39, तो आपको इस तरीके से स्क्रॉल करना है। और जहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर 5.39 आना चाहिए, तो उस पॉइंट पे आके आपको रुक जाना है। तो 5.39 जिस पॉइंट पे आ जाएगा उस पॉइंट पे जाके आपको इस तरीके से रुक जाना है। जैसे अभी आप देख सकते हो यहाँ पर 5.39 आ चुका है, तो इस पॉइंट पर आके स्क्रीन के सेंटर में नीचे एक रेड कलर का बटन दिखेगा जिसमें एक फ्लैग बना हुआ है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर एक नंबर आ जाएगा। इसके बाद स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे नीचे एक सिंगल टिक मार्क दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। फिर से एक सिंगल टिक मार्क आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। अभी आपको करना क्या है, जहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ ये ऑडियो का बार है, इसमें आप देख सकते हो एक छोटी सी वर्टिकल लाइन आपको शो हो रही है। तो जो फर्स्ट फोटो आपने ऐड किया है इसका ड्यूरेशन आपको इस लाइन तक इस तरीके से ड्रैग करके ले लेना है। इसके बाद आपको वीडियो को एकदम स्टार्टिंग पे आना है। यहाँ पर आप देख सकते हो टैप टू एड सबटाइटल का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। टेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर चले जाना है। यहाँ पर स्टैंडर्ड सिलेक्ट करना है, एक छोटा सा कीबोर्ड का ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करना है। और अभी यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर जैसे शो हो रहा है वैसे टाइप करना है। तो इस तरीके से टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको एक AA का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो भी फॉन्ट अच्छा लगे उसे सिलेक्ट करना है। यहाँ पर कलर का ऑप्शन है, कलर के ऑप्शन पर जाकर आप रेडीमेड टेम्पलेट भी इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद स्क्रीन के राइट हैंड साइड पर नीचे एक सिंगल टिक मार्क दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। अभी आप देख सकते हो जहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ ये टेक्स्ट का बार है, तो इसका ड्यूरेशन आपको राइट हैंड साइड से इंक्रीज करके जहाँ तक ऑडियो के बार में जो फर्स्ट वर्टिकल लाइन है उस पॉइंट तक इस तरीके से रख देना है। इतना हो जाने के बाद अभी यहाँ पर मैंने आप देख सकते हो मैंने दो ही क्लिप्स ऐड किए, तो ये जो आप क्लिप यहाँ पर ऐड करोगे, जो वीडियो वाले क्लिप यहाँ पर ऐड करोगे, तो इसका हर एक क्लिप का जो ड्यूरेशन है वो आपको 2 सेकंड का रखना है। तो ये ड्यूरेशन आपको यहाँ पर दिखेगा, जहाँ पर मैं क्लिक कर आप देख सकते हो 12.71 ऐसे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको 2 सेकंड आना चाहिए। तो आप इसे बीच में से कट भी कर सकते हो, जैसे इस पॉइंट पर आके आपको कट करना है तो यहाँ पर एक स्प्लिट का ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद जो एक क्लिप आप यहाँ पर ऐड करोगे उसका ड्यूरेशन आपको 2 सेकंड रखना है। तो आपको दिखा देता हूँ मैं 2 सेकंड कुछ इस तरीके से 2.1 इतना भी चल जाएगा। सेकंड का भी मैं ऐसे ही कम करूँगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर इसे बनाना है। तो यहाँ पर आप कितने भी वीडियो ऐड कर सकते हो, यहाँ पर मैंने 2 ही वीडियो ऐड किए थे, तो आप और भी वहाँ से टेम्पलेट यूज़ करके और भी ऐड कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो फोटो और वीडियो के बीच में जो प्लस का आइकॉन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक जूम इन का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको एक अप्लाई टू ऑल का ऑप्शन दिखेगा, इसे आपको सिलेक्ट करना है। इतना हो जाने के बाद इस वीडियो को अगर आप प्ले करके देखोगे तो यहाँ पर आपका एक परफेक्ट रील जो है वो रेडी हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से आप इसे फ्री में भी बना सकते हो। इसके बाद इस वीडियो को अगर आपको आपके मोबाइल के गैलरी में सेव करना है तो स्क्रीन के राइट हैंड साइड के ऊपर आपको एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। ये आपने बने हुआ वीडियो यहाँ पर एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। ये 100% एक्सपोर्ट हो जाने के बाद नीचे आपको एक सेव टू एल्बम का ऑप्शन आ जाएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपके मोबाइल के गैलरी में सेव हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इसके बाद इसे आप आइदर भी इंस्टाग्राम के रील सेक्शन पर अपलोड कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से जो ट्रेंडिंग रील है इसे आप बना सकते हो। तो अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा, अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।